आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य श्याम मोहन त्रिपाठी आज आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और मंगलवार व्रत कथा के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उसकी विधि ध्यान से सुने। मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र हो तो उस दिन प्रातः काल स्नान आदि करके निवृत्त होकर पूजा स्थान पर मंगल मंत्र का निर्माण करें, मंगलवार देव मूर्ति बनाएं, मंगलवार की मूर्ति लाल पुष्पों से अर्थात खोड़स उपचार पद्धति से पूजन करें। पूजन करते समय ओम अंगकाराय नमः मंत्र का निरंतर जाप करते रहें, उच्चारण करते रहें, लाल वस्त्र पहनावें, गुड़ और घी गेहूं का भोग लगावें और पृथ्वी पर शयन करें। सातवें मंगलवार को मंगल की स्वर्ण मूर्ति बनाकर निर्माण कर उसका पूजन अर्चन करें, उसे दो लाल वस्त्रों से आच्छादित करें, खट गंध धूप पुष्प लाल चंदन खट चावल दीप आदि धूप दे करके पूजन करें और सफेद कसार का भोग लगावें। तिल चीनी घी का साकल्य बनाकर ओम कुब्जाय नमः स्वाहा इस मंत्र से हवन करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर मंगल की मूर्ति ब्राह्मण को दक्षिणा दें। मंगल ग्रह का जनित सभी अनिष्टों को दूर करने वाला है और व्रत के प्रभाव से सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मंगलवार की पूजा करके व्रत कथा सुनते रहें, आरती कर प्रसाद बांटें, तत्पश्चात भोजन करें। व्रत पूजन करने वाले दृढ़ मुक्त हो जाते हैं, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान को भोग लगाकर और अपने परिवार में प्रसाद बांटें। स्त्री तथा कन्याओं को यह व्रत विशेष रूप से लाभप्रद है। उनके लिए पति अखंड की प्राप्ति होती है, संपत्ति आयु की प्राप्ति होती है और सदा सुहागिन रहती हैं। स्त्रियों को मंगलवार का व्रत रहना चाहिए। पार्वती मंगला गौरी का पूजन करके मंगलवार व्रत विधि कथा और अथवा मंगल गौरी का व्रत सुननी चाहिए। यह कथा सर्व कल्याण विदित है। जो भी मंगलवार का व्रत विधि अनुसार करता है, मंगलवार व्रत रहता है, मंगलवार को अपनी पवित्रता के साथ कथा सुनता है मंगल देव का, भगवान हनुमान जी अवश्य उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसलिए मन चित्त को पवित्र करके मंगल देव की पूजा करते रहें, अर्चना करते रहें। खोड़स उपचार से पूजन करने की विधि है और आप लोग स्वच्छता से भगवान का पूजा करेंगे, अवश्य बजरंग बली की कृपा होगी, आपकी मनोवांछित फल प्राप्ति होगी। आप हमेशा अपने परिवार बच्चों के साथ आनंद के साथ रहेंगे, घर में सुख शांति मिलेगी, आप सभी परिवार का कल्याण करेंगे। बजरंग बली कहते संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलवीरा। मित्रों, जो भगवान हनुमान जी का आराधना करता है, उनका जाप करता है, हनुमान जी अवश्य उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, मनोवांछित फल देते हैं। बजरंग बली का चालीसा आप सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, बजरंग बाण भी पढ़ना चाहिए। बजरंग बाण में मृत्यु से लड़ने की क्षमता है। हर मनोकामना भगवान हनुमान जी आपकी पूर्ण करते हैं और भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान के हनुमान जी के सामने भगवान राम जी का अगर मंत्र उच्चारण करते हैं तो भगवान का नाम सुनाने से बजरंगबली जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपको मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इसलिए आप सभी भक्तजन बजरंगबली के सामने हाथ जोड़कर हमेशा सीताराम 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 का जाप करेंगे तो बजरंगबली जल्दी से प्रसन्न होते हैं, परिवार में सुख शांति आती है, दुश्मनों का निर्बल हो जाते हैं। आप
के अनुकूल कार्य करने लग जाते हैं, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होने लग जाती है और बजरंग बली का हमेशा मंगलवार का व्रत रहना चाहिए। स्त्री पुरुष सभी लोग भगवान का व्रत रह सकते हैं, बजरंग बली का व्रत रह सकते हैं। निसंदेह संध्या के समय भोजन एक अन्न भी ग्रहण किया जा सकता है। बजरंग बली का जो भी भक्त मन चित सदा के साथ सीता राम का जाप करते हुए हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अगर हनुमान जी का आराधना करते हैं तो हनुमान जी अवश्य उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसलिए आप सभी भक्तजन हनुमान जी का पूजा अर्चना करते रहें, मंगलवार का व्रत रहें, अवश्य सुख शांति परिवार में आएगा, रुका हुआ काम पूरा होगा, आपके हर अधूरे काम पूरे होंगे। अगर भगवान हनुमान जी का आप लोग आराधना पूजा करते रहेंगे तो आपके परिवार में सुख शांति हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी, परिवार में एकता रहेगा, धन विद्या की प्राप्ति होगी, सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं भगवान। और हनुमान जी का हमेशा आराधना करते रहें, जय सियाराम जय सियाराम कहते रहें।